I am taking these three colorful sheets and I will paste these sheets on a cardboard. फेविकॉल की हेल्प से मैंने कार्डबोर्ड पे शीट्स को पेस्ट कर दिया है। आर्ट एंड क्राफ्ट करना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी क्राफ्ट बनाने के लिए आपको चाहिए आइडिया। अगर आपके पास आइडिया है तो इट डजंट मैटर कि आपका हाथ साफ है कि नहीं है। कुछ अच्छे से कलर यूज़ करने से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपने सोचा है वो बना सकते हैं। अभी मैंने कलर पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर रैप कर दिया है और सेंटर में डिज़ाइन के लिए मैंने ये गोल्डन पेपर यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई गोल्डन पेपर नहीं है तो आप बीच में कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इट्स लाइक कि दूसरा कलर पेपर यूज़ करके उसके बीच में बॉक्स बना सकते हैं। मैंने तीन डिफरेंट कार्डबोर्ड्स बना दिए हैं, देख सकते हैं। ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अभी मैं इसके कलर पोर्शन में वाइट कलर से कुछ डिज़ाइन दे रही हूँ। वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई डार्कर कलर भी ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कोई भी रैंडम से डिज़ाइन बना दिए हैं। अल्टीमेटली कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट है फिनिश होने के बाद वो अच्छे ही लगते हैं। And my art and craft are ready.
painting. Okay, let's try. My name is Neetu. Today I'm going to paint a beautiful landscape. मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया है, दैट्स वाई मैं पेपर की कटिंग यूज़ करके उसे टैप 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 टेक्निक से कलर फिलिंग कर रही हूँ. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबसे सस्ते वाटर कलर गाइस. कलर फिल करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश, ताकि मैं छोटी छोटी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकूँ. मैंने यहाँ पे पेंट किया है खुद को और अपने डॉग को. एक्चुअली मैं पेट लवर हूँ और मुझे सारे ही जानवर बहुत पसंद है. अब छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं लास्ट में इसको शेडिंग देने वाली हूँ. शेडिंग देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्राइंग में. पानी को पेंट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ ग्रीनरी और दिखा दी जाए. अब पहाड़ों में डेप्थ दिखाने के लिए मैं डार्क शेड यूज़ करके इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ, सो दैट कि ये पहाड़ जैसे लगे. अभी नाव को आउटलाइन देने के बाद मेरी पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट. मैंने इसके बैकग्राउंड में एक ऑरेंज कैनवास लगाया है. आपको मेरा लैंडस्केप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. A4 की कलरफुल शीट्स को मैं कॉर्नर से फोल्ड कर रही हूँ और इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी एक पर्टिकुलर शेप चाहिए. साथ ही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक गोल्डन स्ट्रिप सबके ऊपर, क्योंकि मुझे सेंटर में एक डिज़ाइन चाहिए गोल्डन. इसको बनाते टाइम मेरी माइंड में सिर्फ इतना है कि मैं इसको बहुत ही इजी वे में बनाना चाहती हूँ, सो दैट कि इसमें कम से कम चीज़ें कंज्यूम हो. अभी फाइनली मैंने इसको एक शेप दे दी है. शेप के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है. ये स्पेस आप गेस कर सकते हैं किस चीज़ के लिए होगा. तो अभी सारे कलरफुल पेपर्स को मैंने इस तरह से बना दिया है. अभी मुझे इसके बीच में से लाइट लगानी है और ये छोटी छोटी सी लड़ियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. दिवाली आते ही दिमाग में कलर, लाइट्स और बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें आने लगती है. इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने ये बनाया है, ताकि इसके बीच में लाइट्स या मैं कुछ दिए रख सकूँ.
या प्लास्टिक के ढक्कन एक अच्छा सा लुक आ सके। ये ग्रीन वाला ढक्कन एक्चुअली थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसमें डिसाइड किया कि मैं एक बाइसाइकिल बनाऊंगी। उस बाइसाइकिल के पीछे मैं एक बास्केट बनाऊंगी जिसमें कुछ फ्लावर्स होंगे और उसके बाद फ्रंट पे मैं इसमें टैक्स लिखूंगी। तो बाइसाइकिल मेरी बन चुकी है। ये मैंने थोड़ी सी घास लगा दी, इसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊंगी बाद में, और यहाँ पर मैंने अपना टैक्स ऐड कर दिया। इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया है रेड कलर से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें मैंने सोचा है कि मैं एक क्लाउड और उसमें रेनबो बनाऊंगी काफ़ी सारे कलर्स यूज़ करके। लेट्स सी कैसे लगता है।
एक डिब्बी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसमें कलर डाल के इसको अच्छे से स्प्रेड करने वाली हूँ सो दैट कि कोई भी वाइट पोर्शन दिखाई ना दे। इसमें कलरिंग सिर्फ एक ही बार होगी इसलिए ये ठीक से होना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से हो चुका है, अब कुछ बचे हुए पोर्शन को मैं ब्रश से फिल कर रही हूँ। तो हमारा आधा काम अब हो चुका है, अब हमें खाली इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है इसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए। मैं इसमें ऐड करूँगी फॉइल पेपर की छोटी छोटी सी बॉल्स। नेचुरल लुक के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें फिल करने वाली हूँ, लेट्स सी कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो फाइनली मेरा ये क्यूट सा नेम टैग वाला पॉट रेडी है। अभी तो मैंने इस पर अपना ही नाम लिखा है बट आप ये जिसको गिफ्ट करना चाहें उसका नाम लिख के दे सकते हैं। हम एक थर्माकोल लेंगे जिसको हम रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और ऐसे ही 4 पीसेस बना लेंगे। अब एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसको होल कर दिया है, सेम होल हम चारों साइड कर देंगे और ऐसे ही हम सभी में कर देंगे। अब हम कोई भी कलर लेके इस थर्माकोल को अच्छी तरह से पेंट कर देंगे सो दैट कि कोई भी वाइट पोर्शन दिखाई ना दे। मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने चारों ही बॉक्सेस को ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, आप मल्टी कलर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ डिटेल्स। मैंने ऑरेंज कलर से एक बॉक्स में सर्कल बना दिए हैं एंड नेक्स्ट मैंने लिया है रेड कलर, रेड कलर से भी मैंने कुछ सर्कल्स बना दिए हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर से स्ट्राइप्स बनाई हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है डार्क ब्लू कलर और डार्क ब्लू से भी मैंने स्ट्राइप्स बना दी है। अब एक ब्लैक कलर के थ्रेड की हेल्प से मैंने इनको कनेक्ट कर लिया है जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। अब मैं इसे गोल्डन कलर से आउटलाइन दे रही हूँ सो दैट कि ये कुछ उभर कर आए और मैं इसमें कुछ वाइट कलर की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, मंडला टाइप, मतलब इतना डीप डाउन नहीं बट हाँ काफ़ी। तो फाइनल लुक इसका लास्ट में दिखाई देगा। ये मैंने वाइट कलर से कुछ ऐड किया जिसकी वीडियो नहीं बनी। सेम रेड की तरह मैं ऑरेंज को भी डिज़ाइन दे रही हूँ और उसके बाद मैंने कुछ और डिटेल्स इसमें ऐड करी है जो कि मेरे फाइनल लुक में है। To make these beautiful mini pots, I am taking 4 old color bottles. Put these bottle in warm water. Remove color from the bottle with the help of your fingertips. Similarly, repeat the same procedure with all the bottles. Now remove the sticker so that you can paint it easily and dip it into the water and clean it once again. Now all the bottles are clean and I am removing the excess of water with the help of hand towel. Bottles are ready. I am using earbud and brush to paint. First I am using orange color. You can color the bottle with different colors. I am using blue. Actually I have already decided the color combination for better texture and for giving chalk paint look. I am adding some white color. After adding white color, my color looks more brighter than before. My green color bottle is ready and this time for pink color. Again, I am adding white color. You can see the texture. It looks more brighter than before. Now all my bottles are ready. It's time to add some details. I am using silver sparkle. It will give glittery texture to my bottles. You can use silver, golden or whatever glitter you want, multicolor, whatever. And after that I am giving more details to my bottle with the help of earbud. I am making polka dots on my bottles. I am repeating the same procedure with all my bottles. First I am using red colors with these two bottles and after that I am using black color with orange
एंड अनदर वन ब्लू बॉटल एंड येस पोलका डॉट्स आर डन. नाउ आई एम एडिंग टेक्स्ट टू माई बॉटल्स. आई एम राइटिंग LOVE. एक्चुअली बॉटल्स आर टाइनी सो आई डिसाइडेड टू राइट वन अल्फाबेट ऑन ईच बॉटल एंड नाउ आई एम डन विद टेक्स. इट्स टाइम टू फुल प्रेजेंटेशन एंड येस मिनी पॉट्स आर रेडी. नाउ आई एम एडिंग सम लिटिल प्लांट्स टू माई मिनी पॉट्स. दे आर लुकिंग वेरी क्यूट. यू कैन यूज दीज पॉट्स टू डेकोरेट यूर स्टडी टेबल एज वेल.
Thank you.
Thank you.